भी गैप डाउन कर रहा है, 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात होगी इसमें। आज एडवांस डिक्लाइन कम से कम नहीं तो 1000 तो आना ही चाहिए, इतना तो आना चाहिए। अगर इससे नीचे जा रहा है तो फिर वह और रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। 995 है, ओहो 5 पॉइंट पर हमारा जो गैस था वो थोड़ा मिस हुआ। इतना अगर आ गया है तो भी ठीक है, एक बार जरा चेक करेंगे कैसे हमको ट्रेड लेना। बाजार ओपनिंग कर चुका है, 70 पॉइंट की गिरावट शुरुआत में है। मार्केट के पास वेरी इमीडिएट सपोर्ट तो 19,500-600 वाली रेंज का, जिसको उसने बड़ी मेहनत से बना लिया विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग। अब ये जाना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निफ्टी बैंक है और इसका 43,800 है। ये 43,800 के ऊपर आ जाए आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कुछ बैंक हील होने लगेंगे। मेरे को नहीं मालूम कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना देखते हैं, लेकिन आजकल बड़े हाउसेस में बड़े सिस्टम्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम करता है और वो एकदम से सौदों को रिवर्सल करने लगता है जैसे ही क्रिटिकल लेवल्स ऊपर या नीचे होने लगते हैं। इसलिए 43,800 को क्लियरली वॉच कीजिए आज बैंक निफ्टी पे। निफ्टी अपना काम करना शुरू कर रहा है, उसने करीब अपने 70 पॉइंट की गिरावट को 40 पॉइंट की गिरावट में कन्वर्ट कर दिया। 1100 शेयर एडवांसेस में भी आ चुके हैं, डिक्लाइंस जस्ट के तस हैं। 5 मिनट के बाद आप विक्स चेक करना, 5 मिनट के बाद एडवांस डिक्लाइन चेक करना, इससे पहले चेक नहीं करना नहीं तो आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन आएगी। डिलीवरी में ब्लॉक लग रहा है, 1.8% इक्विटी का हाथ बदला है, ये कुल मिला के 4% तक जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइजिंग की है, जिस प्राइजिंग पे हो रहा है 400 से 414 के प्राइजिंग है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हाथ बदला जितनी पोलाइटली होगा उतना अच्छा है, अगर ये ब्लॉक ज़्यादा डैमेज करके जाएगा ना फिर टेक्निकल लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। खैर एनी हाउ निफ्टी धीरे धीरे करके रिकवर करते हुए 30 पॉइंट्स यानी कि आज का टोटल फॉल का ओपनिंग का उसको रिकवर कर चुका है। फिर सपोर्ट कौन कर रहा है, अगर बैंकिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं शुरुआत में तो कर रहा है BPCL, कर रहा है एशियन पेंट्स, वो आपको क्रूड वाला फैक्टर, आपको कर रहा है डिवी स्लैब, आपको फायदा कर रहा है इस समय आइशर मोटर M&M जो कि इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होते हैं इस चीज़ के। अब आप देखते होंगे देखते ही देखते निफ्टी ने करीब 27 पॉइंट की गिरावट अपनी रखी है और इसने 19,700 के रेंज को भी कवर कर लिया। एक बार स्क्रीन पे वापस से बैंक निफ्टी दिखाएंगे, बैंक निफ्टी पर वापस से दिखाइए, मैं एक दो पॉइंट आपको और नोटिस करा देता हूँ। इसमें JSW स्टील ऊपर है, को अभी एक और शेयर ऊपर आया जिसको मैं थोड़ा निफ्टी का एक मिरर इमेज जैसा समझता हूँ, उस शेयर का नाम है कोटक बैंक। अब आप देखो 43,800 आ गए और मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोटिस कराया था कि जैसे ही लेवल्स आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली एल्गो ट्रेडिंग से आपके कुछ शेयर ऊपर आने लग जाएंगे। कोटक में ये रिवर्सल हो गया, अब आज के स्टॉप लॉसेस आज के लोज बन जाएंगे जो आज के लोज लगे हुए हैं। अब आप सारे बैंक्स को चेक करना, तो ये हो सकता है अभी 10-15 मिनट अभी और ले, बट ये बहुत कायदे की चीज़ें लर्निंग्स हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्केट के ज़रूर नोटिस करना चाहिए। आप 1.5 साल इसको काम करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको किसी की सुनने और बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने आप में मार्केट को बहुत अच्छा रीड करने लग जाएंगे। 25 पॉइंट ही सिर्फ रहेगी निफ्टी के और कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में कन्वर्ट भी हो जाए हर निशान में। एशियन पेंट BPCL अगुवाई कर रहे हैं आज की क्रूड की, M&M इनडायरेक्टली, हीरो मोटोकॉर्प इनडायरेक्टली, मारुति सुजुकी इनडायरेक्टली, बजाज ऑटो इनडायरेक्टली, ये ऑटोस के कंपोनेंट है, इनमें अच्छी ग्रोथ के नंबर भी हैं, अच्छे नंबर्स भी इन्होंने शो किया और क्रूड के बेनिफिशियरी भी होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक। और वैसे भी आपको पता है चुनाव आ रहे हैं सामने, तो हो सकता है सरकार कोई बड़ा फैसला इनके प्राइस कट का भी ले ले डीजल और पेट्रोल में। SBI नीचे है, बजाज फाइनेंस नीचे है, एक बार आप जरा स्क्रीन पर अलग से SBI कार्ड को दिखा दीजिएगा, प्रियंका आपको नोटिस करवा देंगी SBI कार्ड, ये 740 एक बार आ जाए ना तो फिर से हम पता करेंगे अक्षय पी भागवत से। एक बार जरा छोटे मझोले शेयर्स बता रही हैं और मेहमानों से ओपनिंग ट्रेड के बारे में पता करिए प्रियंका। चले ठीक है बिल्कुल, तो ये ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स की तो आपने बात की, SBI कार्ड की हम सुबह से ही बात करते हैं कि स्टैंड अलोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कितना बड़ा झटका लग सकता है जिसमें SBI कार्ड है, 6% की गिरावट यहाँ है, लेकिन और फर्दर शॉर्ट बनने चाहिए इस पर या फिर यहाँ से रिकवरी के भी, क्योंकि बैंक्स भी रिकवर हुए हैं। आप देखें बैंक्स भी जिस तरह से जो प्री ओपन में दिखा था तो 500 पॉइंट का डेंट दिख रहा था, खुलते खुलते 450 पॉइंट हुआ, अब सिर्फ 300 पॉइंट का ही आपको डेंट बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। पर बढ़ने वाले शेयर मिड कैप में ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स क्लियरली हैं, फिनेंस में क्योंकि आप बैंक्स और फाइनेंस में हाउसिंग फाइनेंस इनसे इंपैक्टेड नहीं है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 2.5% की तेजी है, टाटा मोटर्स में आज एक न्यूज़ थी, टाटा मोटर्स आप 8% की तेज़ी के साथ देख रहे हैं। और दूसरे पावर फाइनेंसर्स, पावर स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं, पावर फाइनेंस में आप देखें वहाँ पर 8% की तेज़ी है, REC जैसे काउंटर्स में तेज़ी है, जो अच्छे ट्रेंड में है उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं है, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है,
डॉलर इंडेक्स की सॉफ्टनेस का फायदा क्लियरली मेटल्स को मिल रहा है और आप सेल जैसे काउंटर्स को भी देखेंगे वो इस वक्त तेज भी है, लेकिन कौन से स्टॉक्स नीचे हैं इस वक्त? जहां जहां भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग थोड़ी ज्यादा है लोन बुक की, आदित्य बिरला कैपिटल 5.5% नीचे, L&T फाइनेंस 4% नीचे है, इनफैक्ट पूना वाला भी आप देखेंगे तो 3.5-4% नीचे है। तो क्लियरली ये ट्रेड दिख रहा है डिलीवरी में आज ब्लॉक लगना था, उससे आप 3% की गिरावट देख रहे हैं। गिरने वाले सारे स्टॉक्स में पहले 10 स्टॉक्स में या तो बैंक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप या फिर वो फिनेंसर्स हैं। सो ये तो बात हुई मिड कैप की, एक बार क्विकली स्मॉल कैप को भी चेक कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। तो जो ट्रेड्स बहुत ऑब्वियस थे वो प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन कितनी रिकवरी पॉसिबल है? RBL बैंक, अभी थोड़ी देर पहले हम संजीव जी से बात भी कर रहे थे क्योंकि RBL बैंक जितनी तेजी से इनकी सिक्योर्ड लेंडिंग अनसिक्योर्ड बुक बढ़ी है उतनी तेजी से स्टॉक में मूवमेंट भी दिखे, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा उन बैंक्स की तरफ NBFC की तरफ था जिन्होंने रैपिडली अपनी अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक को बढ़ाया है। RBL बैंक जो है अब आप 8.5-9% की गिरावट वहां देख रहे हैं, उसके अलावा IDFC हो IDBI बैंक हो वहां पर भी गिरावट है। ट्रेड्स अब लेकिन कहां कहां बनते हैं अभिषेक समझेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। तो बाजार का ये हाल शुरुआती और थोड़ी थोड़ी संभलने की कोशिश है। 17-18 अंक नीचे निफ्टी है, निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से थोड़ा सा तनाव ज्यादा है, 364 अंक नीचे। और सबसे नीचे हम देख रहे हैं कि SBI आज है 3% की गिरावट, इस पर हम यू भी ले रहे थे, और बाकी NBFCs में बजाज फाइनेंस बजाज फिंसर ये भी टूट रहे हैं, और एक्सिस बैंक कल जो कि टॉप लूजर्स में शामिल था कल के लास्ट आर के ट्रेड में वहां